एंड सुन बबन, यू आर वाचिंग स्टार्स को. अदनान समी, जिनका अभी अभी कमबैक सॉन्ग आया है तू याद आया, उसे मिला है ढेरों सारा प्यार. और जैसे कि उनके साथ हमारा हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि लोग मेरे को हर कोई ये पूछ रहा है कि आप इतने सालों के बाद क्यों आए, इतना लेट क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को खुद शर्मिंदगी फील हो रही है अब कि मैंने इतना टाइम क्यों ले लिया, जबकि मेरे को पता था कि ये गाना एक्चुअली हिट जाएगा, तो मैंने इतना टाइम क्यों लिया इस गाने को रिलीज करने में. एंड जैसे कि लोगों ने इस गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी. और जैसे कि उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि आपके लिए द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई मेरे को ये बोल देता है कि मेरे गाने से उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, तो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. एंड आई रियली लाइक व्हेन पीपल अप्रिशिएट माय वर्क. ऑब्वियसली एवरीबॉडी लाइक्स द फेम एंड द अप्रिसिएशन. सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अभी हम आपको उनका इंटरव्यू दिखाएंगे. ओके सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, प्यार बहुत ही अच्छा रिस्पांस, मिलियंस ऑफ व्यू, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो ये जानना चाहेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत हमने की है, और जब आपकी मेहनत का इतना खूबसूरत और इतना मीठा फल आपको मिलता है, इससे बढ़ के आपको क्या खुशी हो सकती है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लग रहा है. और अब तक आपको कोई एक यूनिक कमेंट या कोई अप्रिशिएशन मिला है जो बहुत ही अनोखा हो? भाई मेरे लिए तो जब भी कोई इंसान कहता है कि जी हमने आपका गाना सुना, बेहद पसंद आया और हमारे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई, मेरे लिए वही सबसे बड़ा कमेंट है. क्योंकि लोगों के दिलों में वही बसते जिसके मतलब खुदा का नूर होता है या उन पे रहमत होती है, वो आप पर है. जो इतना प्यार मिल रहा है आपको, इतना दिन के बाद, मतलब इतने सालों के बाद क्यों आना पड़ा, मतलब इतना ब्रेक क्यों? एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा वक्त हो गया. मुझे इतना सारा लोग ये बात कह रहे हैं कि मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया. और जिस तरह का प्यार मुझे इस वक्त मिल रहा है और जो अप्रिसिएशन मिल रही है, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि यार ये जाती कर दी तुमने इतना वक्त लेकर. ये तो इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये तो पहले करना चाहिए था. दौर में बहुत जो सिंगल एल्बम्स होते हैं ट्रेंड होती थी, वो बहुत चलती थी. अब नहीं चलता, आप उसको वापस ला रहे हैं. और स्पेशली जो रोमांटिक नंबर थे, जो पैपीज नंबर्स अब बहुत चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए जो आपने जो वापस ट्रेंड शुरू किया है सिंगल एल्बम? देखिए बात ये कि मेलोडी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती. मेलोडी मेरे ख्याल में म्यूज़िक में सबसे ज़रूरी चीज़ है. और आप मेलोडी जब भी आप लेके आएंगे, वो मेरे ख्याल में अगर सिंपल और अच्छी खूबसूरत मेलोडी हो, वो लोग हमेशा उसको अपनाएंगे. और मेरा ये हमेशा एक तजर्बा भी रहा है और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ. और अगर आप देखिए पुराने जो गाने हैं, पुराने दौरों के, तो उनमें सारे जो गाने जो कई जो अब रिक्रिएट भी हो रहे हैं, उन सब की रिक्रिएशन या रीमिक्स की वजह ही यही है, क्योंकि उनकी मेलोडीज़ बहुत स्ट्रांग हैं. तो मैं समझता हूँ कि मेलोडी जो है वो कभी भी हार नहीं सकती म्यूज़िक के मौजू में. तो मैंने ये सोचा कि चाहे जिस तरह का भी म्यूज़िक चल रहा हो, एक स्ट्रांग मेलोडी जब आएगी और अगर लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी, तो लोग उसको अपनाएंगे. और शुक्र है कि लोग पसंद कर रहे हैं. देखिए अब सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है कि रीमिक्स या रिक्रिएशन क्यों लाया जा रहा है. उसकी वजह जो है वो यही है कि कई ऐसे गाने हैं जिनकी मेलोडीज बहुत खूबसूरत हैं, मगर आज की जनरेशन जो है वो उनको एक्सपोजर नहीं है उन गानों के साथ. और जिस दौर में वो गाने बने थे, उनकी जो अरेंजमेंट है गानों की, वो उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छी थी. और अब उनको ये महसूस होता है कि अगर आपने वही गाना दोबारा नए सिरे से पेश करना है, तो उसमें अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए, लेकिन मेलोडी नहीं चेंज होती. तो उसमें क्रिएटिविटी, जाहिर है मेलोडी तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है आपके आपके अरेंजमेंट में, आपके रिदम में, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें. तो इट्स नाइस
कि वो गाने जो हैं जो जो अदरवाइज वो गाने लोग भूल भी सकते हैं, तो वो नई जनरेशन को सुनने को मिल रहे हैं उनके स्टाइल में। जी एक्चुअली मैं आई वॉन्ट टू गो, मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि आई वॉन्ट टू सेट अप अ प्रॉपर स्कूल जहाँ पे म्यूज़िक की तालीम जो है वो बकाया डिटेल में दी जाए, ना सिर्फ पियानो में मगर गायकी में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाँ पे अच्छे अच्छे उस्ताद और टीचर्स आए सिखाने के लिए। तो ये मेरा एक ख्वाब है समझ लीजिए। तो और उसमें जाहिर है कि अगर उस तरह की चीज़ प्रॉपर तरीके से अगर की जाए तो उसमें आजकल के दौर के मुताबिक YouTube में भी उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। हाँ, अफगान जो है वो इज इन द स्टेज ऑफ प्री प्रोडक्शन, तो उसके गाने जो हैं वो ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं। जैसे आपने सही फरमाया कि उनके अभी इलेक्शन हाल ही में कंप्लीट हुए, हम उस फिल्म को ऑन लोकेशन शूट करना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा था कि हम किसी नेबरिंग कंट्री में जाएं, जैसे ताशकंद हो गया या दूसरी जगह जहां पे हम चीट करें। मैं आई वांटेड टू शूट द फिल्म ऑन लोकेशन। एंड तो उन्होंने हमको ये राय दी थी, सलाह दी थी कि इलेक्शंस को होने दें ताकि मामला जो है वहाँ पे थोड़ा सा सेटल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। तो जब उनकी अभी इलेक्शन ख़त्म हुई तो अब हम नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर फाइनल रेकी, और फिर हम इसको फिर फाइनल शूटिंग के लिए लेके जाएंगे। देखिए, मुझे जिस दर्जे की खुशी है वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी कोई हद नहीं है, कोई अंत नहीं है। और जो मुझे इस इतने खूबसूरत और इतने बड़े एजाज़ के लिए जो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। इट्स ह्यूज ऑनर, और इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं प्यार भरा हुआ है और ब्लेसिंग्स हैं। और इसके लिए मैं अपने फैंस की, लोगों की, पब्लिक की बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को इस तरह का ऑनर मिले ये ख्वाब जैसा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखिए, पब्लिक लाइफ में चाहे जिस मौजू में वो पब्लिक लाइफ हो, चाहे वो एज एन एंटरटेनर हो, आप जरूरी नहीं, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। और आपके साथ बहुत सारे लोग प्यार करेंगे जिसकी वजह से आप हैं जो आप हैं, और उनमें से कई ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे जलते भी होंगे या आपके फन को पसंद नहीं करते। तो आप कभी भी सब लोगों को खुश तो कर नहीं सकते, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई कुछ तो लोग होंगे जो एतराज़ करेंगे। इस अवार्ड में अनफॉर्चुनेटली हर साल कोई ना कोई थोड़ी सी इस मौजू पे थोड़ी सी डिबेट्स चलती हैं। इस साल मेरे ऊपर थोड़ा सा हो गया, पिछले साल कोई और था, कल अगले साल कोई और हो जाएगा, तो ये चीज़ें ये तो चलती रहती हैं। लेकिन इंसान को फोकस करना चाहिए प्यार के साथ, क्योंकि जहाँ अब फ़र्ज़ करो अगर 100 बंदों को या 1000 बंदों को भी अगर एतराज़ है, तो 1.3 बिलियन लोगों को तो प्यार है, तो ये 10,000 या 1000 बंदों से क्या लेना देना, उनको इग्नोर करना बेस्ट होता है। तो वो जाने, उनका काम जाने, हम अपना काम करते रहेंगे प्यार के साथ। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे फैंस को, और एक दो लाइन अगर
सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा इतना ज़्यादा प्यार दिया है. इस प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और जाते जाते मैं आपके सामने यही गाना थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ कि तू याद आया, तू याद आया, तू याद आया है आज फिर, तू याद आया, तू याद आया, तू याद आया है आज फिर. ऐसी मजेदार और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन. हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से.